अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू. सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क एंड लेट मी डू सम क्लीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट माय वर्क प्लेस इज टू मेसी राइट नाउ. सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस इज ऑल डस्ट. ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ क्लीनिंग फॉर नाउ. काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग हो गई है और मुझे तो अभी से ही जो है ना पसीने आने लग गए हैं. सो ये मैं बैठने के लिए लाई हूँ क्योंकि कुछ भी बैठने के लिए नहीं होता. सो अभी मैं थोड़ी सी व्लॉग क्रम्बलिंग करती हूँ, फिर मैं वीडियोस बनाऊँगी. ये लास्ट टाइम जब मैं व्लॉग बना रही थी, लाइक वीडियो बना रही थी, तो मोबाइल बंद हो गया था जिसकी वजह से आई कुडंट कंप्लीट दिस वीडियो. सो एक शेप आप देख सकते हैं अभी भी पड़ी हुई है. सो लेट्स क्रम्बल दैट इन द व्लॉग. और कुछ लोगों को लास्ट टाइम इसमें क्रम्बलिंग बहुत पसंद आई थी, स्टील पॉट में. आई थिंक वो रिक्वेस्ट भी मुझे आई थी कि आप स्टील पॉट में क्रम्बलिंग करें. सो आई विल डू दैट एज वेल इंशाल्लाह. सो ओके, सो लेट्स क्रम्बल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कवर माई फेस बिकॉज दिस डस्ट इज टू डेंजरस. और जो एक महीना पुराना टेक्सचर पड़ा वो तो इस कदर डस्टी हो गया होगा ना कि लाइक आपकी सोच है कि वो कितना ज़्यादा डस्टी होगा. सो ऑलवेज कवर योर फेस वाइल क्रम्बलिंग. मैंने अब मुंह को कवर कर लिया. सो आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ किस तरह से आ रही होगी. सो या लेट्स क्रम्बल.
ओके सो ये टेक्सचर क्रम्बल हो चुका है. बेसिकली ये टेक्सचर भी इसी का पार्ट है, बट आई थिंक दैट वन वॉज मोस्ट क्रिटी, लाइक उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. सो लेट्स क्रम्बल सम ऑफ दैट वन एज वेल. Thank you.
दैट वॉज सुपर डस्टी. ओके सो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी सी वाटर क्रम्बलिंग भी कर लूँ, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि आई डोंट डू वाटर क्रम्बलिंग. सो लेट मी ब्रिंग सम वाटर एंड देन आई विल डू द वाटर क्रम्बलिंग ऑफ रिमेनिंग टेक्सचर.